ओम शांति। आज 15 अक्टूबर की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। हम कब भारी होते हैं? जब हम सब कुछ बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं वो ऐसा ना कर दे, कहीं हमारे साथ में ये प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं कोई मेरे से बदला ना ले ले उठे, कहीं वो मेरे लिए विघ्न ना बन जाए, कहीं मेरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मेरी सेहत, कहीं मेरे बच्चे, कहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स, कहीं मेरे स्पाउस, कहीं मेरे रिश्तेदार। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे संकल्प जो होते हैं उनके हमारे ड्रीम्स में आना या हमारे दिन भर में उनके बारे में सोचना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से हमारा लगाव होना, उससे कोई हमें इच्छा होना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत भारी कर देती हैं। और इनसे डिटैच रहना, ये होते हुए भी डिटैच रहना, उससे हम हल्के होते हैं, जिसको आज परमात्मा कहते हैं डबल लाइट। तो परमात्मा आज के वरदान कहते हैं कि डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। इंसान चाहता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो ऊपर से उसके उड़ के चला जाए, मतलब कि उस प्रॉब्लम को वो आराम से पार कर ले। लेकिन होता क्या है वो आप सब जानते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ, मैं हल्का हूँ, फरिश्ता हूँ। चीज़ें आएंगी जाएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी हमेशा ही नहीं रहेंगी, चली जाएंगी। सेहत ख़राब होगी थोड़े समय के लिए होगी, चली जाएगी। मानसिक तरह कोई प्रॉब्लम आएगी थोड़ी समय के लिए आई चली गई, लेकिन मुझे कोई भी परिस्थिति में अपने आप को भारी नहीं करना है। तो फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला लाइट चीज़ सदा ऊपर जाती है। गैस का बलून आप देख लीजिए, हमेशा ऊपर जाएगा, हल्का होता है, नीचे नहीं आती। आधा कल तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। आधा कल्प मतलब हमने पूरे कल्प में 63 बर्थ्स हमने जो ली हैं, वो हमने दुनियावी प्रॉब्लम्स, संसार की प्रॉब्लम्स, परिवार की प्रॉब्लम्स, देश की प्रॉब्लम, राज्य की प्रॉब्लम। राज्य क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 200 साल पहले आज से तकरीबन ये देश जो भारत है, यहाँ पर राजा रानियों का राज्य हुआ करता था, गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, तो वो राज जो करते थे उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, हम पिछले जन्मों की बात कर रहे हैं, और उसमें रहते हुए लड़ाई झगड़े होने, ऊंच नीच होने, जिस कारण से क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, घृणा, नफरत होना, उससे हमने पाप किए जो वो भी हमारे लिए क्या बन गए, बंधन बन गए। तो परमात्मा कहते हैं वो सारी जो आत्माएं आज हैं आपके आजू बाजू, जो आपने पिछले जन्म में जिनके साथ में जो किया था, वो आज वही आत्मा आपके आस पास हैं जो कि आपसे वो हिसाब किताब लेने आई हुई हैं। तो फिर परमात्मा कहते हैं आधा कल तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है, इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अब बोझ बंधन आते कैसे हैं, अपने कमज़ोर संस्कार का हैबिट बन गई है, हमारी आदतें बन गई हैं, संस्कार बन गए हमारे चिंता ज़्यादा करने के, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ऐसा ना कर दे, इसको कहते हैं व्यर्थ संकल्प होते हैं। संस्कार मतलब चिंता करना बहुत ज़्यादा, कहीं इसके साथ में कुछ बिगड़ ना जाए, कोई मेरे से कोई बदला ना ले ले, कहीं मेरे आगे जीवन में आगे अड़चन ना आ जाए, ये सारे जो संस्कार बने हुए हैं चिंता लेने के, जिसमें कि व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं। देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा। देह भान तो देह भान मतलब अपने शरीर के साथ का जो अटैचमेंट है कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, या मैं इस जात का हूँ, इस प्रजाति का हूँ, ये सब कुछ है देह भान, जिस कारण से हम अपने आप को अलग और को अलग कर देते हैं। देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। हम दुनियावी बातों में फंस जाएंगे, शरीर शरीर के संबंध जो भी हैं हमारे उनमें फंस जाएंगे, और शरीर के लेन देन में फंस जाएंगे। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। जब हम बंधन मुक्त होंगे तब जाकर के मैं आत्मा लाइट, लाइट मतलब हल्का, और तब जाके परमात्मा से कनेक्शन, क्योंकि परमात्मा भी लाइट है, लाइट भी हैं और हल्के भी हैं, उनके साथ में हमारे संस्कार, उनके साथ में हमारी सोच मिलेगी, वाइब्रेशन मिलेगी, तब जाके उनके से कनेक्शन होगा, जिसको कि हम कहते हैं मेडिटेशन हो पाएगा। तो ये करना कैसे है मेडिटेशन, लाइट कैसे रहना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो कि आप भी आकर के सीख सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।